वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑन विजुअल प्रोग्रामिंग सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट थ्रू दर्स आउट नाइन हमने ये डिस्कस किया था कि इस इस कोर्स में आपको प्रीरियस क्या है और इस कोर्स के एंड तक आप क्या अचीव करेंगे उसके बाद हमने एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ली थी सी प्लस प्लस की एक कीबोर्ड हिट की और उस पर हमने बिल्डअप किया था कि उसके साथ हम एक और एग्ज़ाम्पल अगर एड करें कि एक फाइल के अंदर कोई चेंज को मॉनिटर करना चाहें और ये दोनों काम इकट्ठे करना चाहें तो वो किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन कम्प्लिकेट होती है उस एग्ज़ाम्पल को हमने फर्दर ट्स द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर इस तरह से थोड़ा सा री राइट किया था कि हम उन इन एक्शंस के अगेंस्ट जो जो एक्ट करना चाहते हैं उसको हम सेपरेट फंक्शंस में ले गए थे और आज अब हम थोड़ा सा थ्योरी की तरफ जाएंगे इस लेक्चर में हम थोड़ा इवेंट्स और उनकी थ्यूरी अंडरस्टैंड करेंगे और इस और अगले लेक्चर में जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम दोबारा उस एग्जाम्पल पे जाएंगे और इस टर्मिनोलॉजी में देखेंगे कि वो चीज़ें जो हमें अभी हमने थेरेटिकली डिस्कस की हैं वो उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में किस तरह से थी तो सबसे पहले हम रिविजिट करते हैं लास्ट लेक्चर में जो हमने एग्जाम्पल देखी थी उसे ये हमने लास्ट लेक्चर में रिफेक्टेड एग्जाम्पल देखी थी और इसके अंदर हमने एक ऑन की प्रेस और एक ऑन फाइल चेंज के सेपरेट फंक्शंस लिखे थे और उसके बाद एक हमारा मेन था जिसके अंदर हम एक लूप के अंदर इन दोनों इवेंट्स को चेक कर रहे थे कि कहीं की तो नहीं प्रेस हुई कहीं फ़ाइल तो नहीं चेंज हुई और इस एग्जांपल पे हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इसको हम एक्सटेंड करेंगे और फाइल में कुछ चेंज होने और फाइल को रीड होने की दो इन एक्शंस को भी सेपरेट कर देंगे अब मैं इस एग्ज़ाम्पल को मॉडिफाई करने जा रहा हूँ और इस एग्ज़ाम्पल को इस नए तरीके से लिखेंगे और देखेंगे कि हमने इसके लिए क्या चेंजेस किए हैं ये हमारा मॉडिफाइड कोड है और इसमें हमने एक ऑन फाइल रीड और ऑन फाइल चेंज का फंक्शन अलहदा कर दिया है इसको अलहदा करने का मेन पर्पस क्या है मेन पर्पस ये है कि जो एक्शन हमने फाइल के चेंज होने पे लेना है वो एक्सप्लिसिटली एक फंक्शन में सेपरेटली आ जाए बजाय इसके कि हम साथ ही ये चेक कर रहे हैं कि फाइल में चेंज आई है या नहीं आई और साथ ही आउटपुट कर रहे हैं जो आउटपुट हमने फाइल के चेंज होने पे करनी है अभी आप देख रहे होंगे कि कोड हमने जो चेंजेस किया उससे लंबा होता जा रहा है लेकिन अगर एक और चीज़ नोट करें कि हर फंक्शन का काम छोटा होता जा रहा है और ये हमारी ये इस अप्रोच की एक बेनिफिट है जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम स्केल कर सकते हैं तो अगर इस कोड को गौर से देखें तो हमने इस कीबोर्ड प्रेस्ट जिस तरह से लास्ट टाइम किया था उस पर ऑन की प्रेस कॉल कर लिया उसके बाद हमने फाइल ओपन की अगर वो ओपन हो गई है हमने फाइल रीड की उसमें से जो भी करेक्टर हमें मिला वो हमने ऑन फाइल रीड के फंक्शन को पास कर दिया इस फंक्शन का काम है कि अब फाइल रीड हो गई है उसमें एक करेक्टर है उस पर उसने जो भी एक्शन करना है और ये फंक्शन बहुत बार कॉल हो रहा होगा क्योंकि लूप में हर दफ़ा फाइल में कोई चेंज आएगी फाइल में से कुछ रीड करेंगे और ये फंक्शन कॉल करेंगे अब इस फंक्शन ने आगे इन कॉल्स को फिल्टर करना है अब ये देखें कि इस फंक्शन के अंदर हमने एक के जो लास्ट कैरेक्टर का एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए ये देखा है कि क्या फाइल चेंज हुई है या नहीं हुई और अब इस फंक्शन का काम सिर्फ है कि जो फाइल में कैरेक्टर लिखा गया वो चेंज है या नहीं और ऑन फाइल चेंज का काम सिर्फ इतना है कि वो चेंज प्रिंट कर दें अब इस मॉड्यूल में हम इवेंट्स को डिफाइन करेंगे और ये अंडरस्टेंड करेंगे कि इवेंट्स होते क्या हैं अभी तक हमने इवेंट के वर्ड की बात नहीं की और हम कोर्स इवेंट इवेंट प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये कि इवेंट क्या है तो अगर मैं इवेंट को डिफाइन करूं तो इवेंट इज एन डोमेन अब इससे क्या मुराद है इससे मुराद ये है कि कोई भी एक्शन कोई भी चीज अगर हो रही है तो वो एक इवेंट है लेकिन क्या उसकी उस सिस्टम या डोमेन में कोई सेंस बनती है मसला कोई एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स uh, हम एक, एक कंप्यूटर है उस कंप्यूटर को हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं ये भी एक इवेंट है अब इवेंट के आगे फर्दर इवेंट का वर्ड दो तरह से यूज़ हो सकता है एक तो ये इवेंट है कि ये कंप्यूटर वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया ये एक रियल लाइफ में एक इवेंट है और एक इस इवेंट की अकरेंस जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आएगी एक इवेंट की डिटेल एक वो चीज़ है ये दो चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हैं पहली चीज़ में हम एक रियल लाइफ इवेंट की बात कर रहे हैं और दूसरी दूसरी बात में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस इवेंट को मैं किसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में कैप्चर करना चाहता हूँ और ये बात याद रहे कि कभी इस रियल लाइफ इवेंट को मैं कम्प्लीटली कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें इंफिनिट इन्फॉर्मेशन है मसलन मैं ये कहता हूँ कि मैं ये ये याद रख लूँ कि यह कंप्यूटर मूव हुआ है बड़ा सिंपल सा एक इवेंट है या मैं ये याद रख लूँ कि इसकी एक्स वाई जी लोकेशन ये थी और इसकी नई एक्स वाई जी लोकेशन ये है थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई क्या मुझे उसका पूरा पास चाहिए कि वो स्ट्रेट लाइन से आया है घूम के आया है ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन हो गई तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जितनी भी ऐड करनी है वो हमारी सिस्टम या डोमेन पर डिपेंड करती हैं हम किसी इवेंट को अपने कंप्यूटर सिस्टम में जब कैप्चर करते हैं तो हम उसमें से सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने पास स्टोर करते हैं ये इसको का जिस इंस्टेंस में से रखते हैं उसे एक इवेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं तो एक हो गया रियल लाइफ इवेंट और एक हो गया इवेंट ऑब्जेक्ट जो उस रियल लाइफ इवेंट की कंप्यूटर वर्ल्ड में डिटेक्शन है तो इवेंट हमेशा एक जो इवेंट ऑब्जेक्ट है हमेशा रियल लाइफ इवेंट में से कुछ इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेगा और एक रियल लाइफ इवेंट के पीछे बहुत सारे कैप्चर्ड इवेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि मसन मूव एक चीज़ है इसके अलावा उसमें कोई और मैं चीज़ डिटेक्ट कर रहा हूँ कि इसका जिस सिस्टम ने पिक किया है उस सिस्टम के बारे में कुछ कैप्चर कर रहा हूँ तो ये हो सकता है कि रियल लाइफ में एक इवेंट हुआ और मैं उसे डिफरेंट एस्पेक्ट से उसके सिमुलेटेड इवेंट्स बना रहा हूँ इसके अलावा एक और तरह के इवेंट्स जिन्हें हम प्रॉबेबलिस्टिक इवेंट्स कह सकते हैं वो भी होते हैं अब प्रॉबलिस्टिक इवेंट क्या होते हैं प्रॉब्लिस्टिक इवेंट की एक एग्ज़ाम्पल ये कि जैसे कोई बैंकिंग सिस्टम हो उसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं और बैंक ये मॉनिटर करना चाहता है कि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही मे भी उन्होंने उसकी कोई चीज़ें बनाई हो कि इस तरह की ट्रांजेक्शन या इस अमाउंट्स की ट्रांजेक्शन या इस अकाउंट पे पहले ट्रांजेक्शन इस तरह की होती रही हैं और ये एकदम से आउट ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन हो रही है बहुत बड़ी या बहुत डिफरेंट लोकेशन से इस तरह के सिस्टम भी इवेंट्स जनरेट कर सकते हैं और वो प्रॉबीबलिस्टिक इवेंट होते हैं कि रियल लाइफ में हो सकता है फ्रॉड हो रहा हो और वो कैप्चर हो गया हो या हो सकता है कि फ्रॉड ना हो रहा हो वैसे ही कोई डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो और हमारे सिस्टम ने कह दिया फ्रॉड हुआ है तो ये एक ऐसी एग्जाम्पल है कि रियल लाइफ को हम मॉनीटर करके प्रोबीबलिस्टिकली हमने कह दिया कि एक इवेंट हुआ है और उसके साथ प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर दी कि हमारा ख्याल है अभी एट्टी चांस है कि देर इज़ अ फ्रॉड बट मे बी देर इज़ मे बी देर इज़ नॉट तो ये प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स होते हैं उसके अलावा हमने अभी इवेंट ऑब्जेक्ट की बात की है तो थोड़ा सा अगर इसे और गौर से देखें तो इवेंट ऑब्जेक्ट जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक इवेंट की रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर उस इवेंट के मुतलिक सारा डेटा पड़ा होगा मसलन अगर वो फ्रॉड का इवेंट है तो उसकी रिलेवेंट रेले, ट्रांजेक्शन किस बेसिस पे सिस्टम ये कह रहा है ये फ्रॉड है उसकी पबलिलिटी क्या है ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बात की थी कि आप रियल लाइफ में से कैप्चर करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन वो सारी इन्फॉर्मेशन मिला के एक इवेंट ऑब्जेक्ट बनता है और इवेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम फर्दर हम टाइप्स बना लेते हैं अब टाइप्स क्यों बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि लेट से फ्रॉड एक्टिविटी है या कोई फ्रॉड हुआ है जिसकी हमने अभी एग्जाम्पल ली तो ये एक ईवेंट है और हर दफ़ा जब फ्रॉड होगा वो एक डिफरेंट इवेंट होगा लेकिन हर दफ़ा उसके साथ जो एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन हम कैप्चर करना चाहते हैं वो सेम है तो हम इसको कहते हैं कि एक इवेंट टाइप है ये जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इवेंट है ये एक इवेंट टाइप है जिस टाइप के साथ हम बता देते हैं कि ये जब इवेंट रेज होगा या इवेंट जब फायर होगा फायर का वर्ड भी इवेंट के साथ यूज़ करते हैं तो उसके साथ ये ये इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड होगी तो ये सारी चीज़ एक इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आती है इवेंट ऑब्जेक्ट इवेंट टाइप्स में क्लासीफाई हो जाते हैं इवेंट टाइप्स के अंदर स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन हो जाती है जिस पर भी हम थोड़ी और बात भी करेंगे तो अब इवेंट के कंसेप्ट को थोड़ा सा मजीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल हम लेते हैं एक सिंपल कॉफी शॉप की और इस एग्जांपल में हम इवेंट्स भी थोड़ा सा समझेंगे और हम थोड़ा सा सिंक्रोनस एसिंक्रोनस और ब्लॉकिंग ये तीन टर्म्स भी समझेंगे और ये तीन टर्म्स लास्ट लेक्चर में भी हमने थोड़ी थोड़ी इंट्रोड्यूस की थी और इस एग्ज़ाम्पल से हम इसे थोड़ा और समझेंगे और आगे जाके इस पर हम बात करते रहेंगे तो अगर आप एक सिंपल सा सिस्टम देखें कि एक कॉफ़ी शॉप है आप आ, बैठे हैं और लोग आ रहे हैं ऑर्डर दे रहे हैं बट यू आर अनकसर्न आप अपनी कॉफ़ी पी रहे हैं अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं सडनली एक रॉबर एंटर हो जाता है स्टोर में तो यू सडनली रिएक्ट टू इट वो क्या रहा था कि आपके सराउंडिंग में बेशमार इवेंट्स हो रहे थे और आपने अपने सिस्टम को कन्फिगर किया हुआ था कि ये इवेंट्स मेरे लिए रेलिवेंट हैं और सडनली एक इवेंट हुआ जो आपके लिए रेलिवेंट था मे बी रॉबर को किसी ने अपना वॉलेट पकड़ा दिया उससे कोई और रिएक्शन हुआ लोग इधर भागे किसी उसने किसी को फायर किया उससे कोई रिएक्शन हुआ और एक चेन ऑफ रिएक्शंस पड़ रही और ये सारे रिएक्टिव सिस्टम्स हैं और अगर आप थोड़ा सा सोचें तो हम एक रिएक्टिव मैनर में डिफरेंट चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं कि एक ईवेंट होता है और हम एकदम से रिएक्ट करके उसकी तरफ कुछ करते हैं आप गाड़ी चला रहे हैं एकदम से दूसरी गाड़ी सामने आती है यू रिएक्ट टू इट ये तो एक एक्सट्रीम सीनेरियो था बट सारे इवेंट्स इतने इतने बुरे नहीं होते एक नॉर्मल सीनैरियो देखते हैं हम सिंपल कॉफी का ऑर्डरिंग प्रोसेस देखते हैं एक कॉफी शॉप में आप जाते हैं कॉफी काउंटर पर जाते हैं ऑर्डर देते हैं ऑर्डर देने के बाद आपकी कॉफ़ी रेडी होती है या टेस्ट्री होती है और उसके बाद वो आपको दी जाती है तो एक तो सिंपल सिस्टम ये है जिसमें आपका एक इवेंट है ऑर्डर देना जिसके रिएक्शन में जो वहाँ पे ऑर्डर ले रहा है वो ऑर्डर लेगा उस ऑर्डर लेने के रिएक्शन में वो पीछे कॉफ़ी बनाएगा और कॉफ़ी कम्प्लीट होने के रिएक्शन में वो आपको वापस देगा तो अगर एक बंदा है और इस तरह से सारा काम कर रहा है और आपके पीछे जो लाइन में लोग खड़े हुए वे, हैं वो वेट कर रहे हैं जब तक आपका ऑर्डर कंप्लीट हो के आपको डिलीवर नहीं हो जाता तो ऐसे सिस्टम को हम सिंक्रोनस सिस्टम कहते हैं कि एक इवेंट हुआ एक काम हुआ उसके रिजल्ट में जो सारे काम होने हैं वो हो के जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम अगले इवेंट पे आएंगे ये एक सिंक्रोनस सिस्टम है और सिंक्रोनस सिस्टम में आपको ब्लॉक रहना पड़े आपको वहाँ पे खड़े रहना पड़े जब तक आपकी कॉफ़ी रेडी के आपके हाथ में नहीं आ जाती अब इसके कंट्रास्ट में हम देखते हैं ए सिंक्रोनस सिस्टम क्या होता है ए सिंक्रोनस मीनस जो सिंक्रोनस ना हो लेट से आप जाते हैं ऑर्डर देते हैं ऑर्डर ले के आपका ऑर्डर पीछे एक सेकेंड बंदे को दे दिया जाता है जो आपकी कॉफ़ी और पेस्ट्री रेडी करे और आप आके बैठ जाते हैं टेबल पर अब आप अपना काम करते हैं आराम से और काम करने के बाद आपको अपना ऑर्डर आपके पास डिलीवर हो जाता है इवेंट्स इस सिस्टम में भी हैं आपने एक इवेंट ऑर्डर इवेंट दिया ऑर्डर इवेंट के रिस्पॉन्स में एक पीछे ऑर्डर गया कि ये कॉफ़ी रेडी करो ये चीज़ें रेडी करो बट जो मेन ऑर्डर लेने वाला पर्सन था उस वो आपका ऑर्डर लेके कर फारग हो गया अब इस सिस्टम में और पिछले सिस्टम में क्या फ़र्क है फ़र्क ये है कि ये जो आपके आपको अपना ऑर्डर देने के बाद वेट नहीं करना पड़ा या ब्लॉक नहीं होना पड़ा जब तक आपका ऑर्डर कंप्लीट हो आपके पास नहीं आ जाता ये ब्लॉकिंग है पहले सिस्टम में ब्लॉकिंग थी और दूसरे सिस्टम में ब्लॉकिंग नहीं है इसी तरह से जो आपका ऑर्डर ले रहा था उसने पीछे ऑर्डर एक फर्दर दिया कि ये कॉफी रेडी करके इस बंदे को देनी है और साथ ही वो फारग होकर नेक्स्ट कस्टमर को सर्व कर रहे हैं ये है ए सिंक्रोनस बिहेवियर तो इधर इवेंट इवेंट्स के रिएक्शन सिंक्रोनस होते हैं या ए होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जब भी कभी थोड़ा टाइम टाइम वाइज लंबा काम हो उसे ए संक्रोनस करें उस पे किसी को ब्लॉक ना करना पड़े क्यों क्योंकि ब्लॉक करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस स्लो होगी सिस्टम स्लो चलेगा तो ए सिंक्रस हमेशा प्रेफर्ड होता है अब यहाँ पे मैंने बात की कि अगर टाइम ज़्यादा हो तो टाइम का ज़्यादा होना बहुत ही रिलेटिव टर्म है मतलब अगर आप कोई न्यूक्लियर सेफ्टी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो शायद आपके लिए मिली इंपॉर्टेंट हों आप अगर ह्यूमन इंटरेक्शन बना बता रहे हैं जहाँ पे यूज़र कुछ टाइप कर रहा है तो शायद मिली सेकेंड्स इनफ हों और कुछ बैक एंड सिस्टम आप ट्रांजेक्शन डिटेक्ट कर रहे हैं मे बी सेकेंड्स भी फाइन हो तो डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम आपने ये डिसाइड करना है कि ये सिंक्रनस चीज़ होनी चाहिए या सिंक्रोनस होनी चाहिए और अभी जब हम आगे जाएंगे कोर्स में तो हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि आपको ये काम लंबा काम करना पड़ रहा है इसे कैसे ये सिंक्रोनस कर सकते हैं कि बाकी काम आगे चल सकें बाकी इवेंट्स प्रोसेस हो सकें तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल हुई एक काफ़ी शॉप की थोड़ी सी अब एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम्स की कि कंप्यूटिंग सिस्टम्स में किस तरह के इवेंट्स होते हैं तो एक हम पहली एग्ज़ाम्पल बड़ी सिंपल सी लेते हैं कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपने प्रोग्राम में कोई डिवाइड बाय जीरो कर दिया यकिन आपने सी प्लस व्लस में करके देखा होगा और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है या प्रोग्राम टर्मिनीट हो के अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आ रहे हैं वहाँ पे वापस आ जाता है अगर आप विंडोज़ के सिस्टम से डबल क्लिक किया था वो वापस आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप गौर से देखें कोई फैटल काम नहीं हुआ जिससे कंप्यूटर दोबारा शट डाउन हो जाए या कहीं स्टक हो जाए बल्कि किसी ने इस इवेंट को डिटेक्ट किया है किसी ने इस इवेंट को डिटेक्ट किया है कि आपने ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश की है और साथ ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और किसी प्रोग्राम को सिस्टम में कुछ नहीं हुआ तो ये क्या चीज़ थी सिस्टम में हार्डवेयर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो डिवाइड बाई जीरो को डिटेक्ट करता है क्योंकि डिवाइड बाई जीरो हो नहीं सकता तो इसको डिटेक्ट करने का और उस पर रिएक्ट करने का जो सिस्टम है वो एक इवेंट बेस्ड सिस्टम है जिसके थ्रू ये डिवाइड बाई ज़ीरो हैंडल होता है और इसी तरह की सारे और एक्सेप्शन इसी मॉडल पे चलते हैं मसलन किस तरह की इंटरेप्ट हो सकती हैं कंप्यूटर को टाइमर की इंटरप्ट हो सकती है कि हम कन्फ़िगर कर दें भाई इतनी इतनी देर बाद एक टाइमर इंटरप्ट दे देना अब उस पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है वो उसका काम या की प्रेस होती है तो की प्रेस भी एक इवेंट जनरेट करती है या एक माउस मूव होता है ये भी एक तरह के इवेंट है या माउस पे कोई बटन दबता है ये सारे इवेंट्स हैं और ये सिंपल एग्जांपल्स किए हैं जो आपके हायर कंप्यूटर सिस्टम पे हो रही हैं और अगर थोड़ी सी और कंप्लीकेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम को देखें तो आप कंसिडर करें कि जिस तरह आई में एक कोई मरीज है और उसके साथ बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं और कोई हार्ट मॉनिटर कर रहा है कोई ब्लड प्रेशर कर रहा है कोई डिफरेंट शुगर लेवल या कोई और चीज़ मॉनिटर कर रहा है और उस सिस्टम में कन्फिगर हुआ हुआ है कि ये इवेंट्स ऑब्ज़र्व करे और ये ऑब्जर्व करके अगर उसे लगता है कि ये क्रिटिकल कंडीशन है तो मे बी एक बीप या अलार्म रेस कर दे ये एक ऑब्ज़र्व इवेंट्स को जो कि सेंसर्स डेटा भेज रहे थे उसमें से डिटेक्ट करके हमने एक डिड्यूस्ड इवेंट जनरेट किया कि ये क्रिटिकल कंडीशन है और प्रॉबली प्रॉबली ये प्रॉबलिस्टिक इवेंट है क्योंकि हो सकता है वो क्रिटिकल ना हो किसी और वजह से उसकी हार्ट बीट तेज हुई हो या कोई और मसला हो लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अभी हमने दो चीज़ें डिफाइन की हैं ऑब्जर्व इवेंट्स और डिड्यूस्ड इवेंट्स के सिस्टम में कुछ इवेंट्स ऑब्जर्व किए सेंसर से और उससे डिड्यूस करके एक इवेंट जनरेट किया ये एक टोटल इवेंट बेस्ड सिस्टम हो गया एक और एग्जाम्पल मॉडर्न कार्स में कार सेंसर्स लगे होते हैं जो कार की डिफरेंट हेल्थ को मॉनिटर कर रहे होते हैं बाद में तो एयर प्रेशर सेंसर्स भी लगे होते हैं जो उसके टायर प्रेशर मॉनिटर करते हैं फ्यूल लेवल मॉनिटर करते हैं उसके इंजन के अंदर के सेंसर्स भी बाज़ मौजूद होते हैं और आपकी गाड़ी में एक इंजन लाइट जल जाती है जो एक डिड्यूस्ड इवेंट है और जब आपकी इंजन लाइट चलती है आप उसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं वो एक मशीन लगाता है और ये देखता है कि इंटरनली क्या इवेंट जनरेट हुआ था तो यहाँ पे उस इवेंट का रिएक्शन थोड़ा सा मैनुअल है लेकिन सिस्टम में इवेंट्स जनरेट हुए उस इवेंट से उसने डिड्यूस किया कोई मसला है और एक इंजन की लाइट चला दी गाड़ी में एक और एग्जांपल बैंकिंग अलर्ट्स की है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दी थी कि आपके सिस्टम में ट्रांजेक्शनस हो रही हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि कोई ट्रांजेक्शन फ्रॉडलेंट तो नहीं है या कोई ट्रांजेक्शन अभी तो आप यहाँ पे जो मोस्ट बैंक्स हैं वो आपको फैसिलिटी देते हैं कि आपकी हर ऑनलाइन या डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पे आपको एक एसएमएस आएगा तो ये एक एसएमएस आना इट एक इवेंट है और जिस सिस्टम ने आपकी ट्रांजेक्शन मोनिटर की उस इवेंट को देख के ये इवेंट जनरेट किया ये सारे इवेंट्स हैं बहुत क्रिटिकल इवेंट्स पे जाएं तो हम न्यूक्लियर सेफ्टी पे जा सकते हैं न्यूक्लियर सेफ़्टी के पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो उसके रेडिएशन लेवल्स वाटर लेवल्स ये सारे मॉनिटर कर रहे होते हैं और किस तरह से वो इसको यूज़ करके कोर को स्टेबल रख सकते हैं तो वो डिफरेंट इवेंट्स पे ट्रिगर होते हैं कि इस वक्त सेंसर डाटा ये दे रहे हैं और उनको ले के वो डिफरेंट इवेंट्स जनरेट करते हैं जिनसे वो डिफरेंट लेवल्स चेंज करते हैं कि इस तरह से कोर स्टेबल रहेगी या अगर वो उनके लग रहा होगा कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो एक ऐसा इवेंट जनरेट करेंगे कि देर इज एन इशू तो अब हम इन जनरल हाई लेवल पे कुछ इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन को क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये पांच एग्जाम्पल्स हैं ब्रॉड लेवल पे डिवीजन है कि किस तरीके से इवेंट बेस्ड एप्लीकेशंस को हम डिवाइड कर सकते हैं तो एक इसमें एग्जाम्पल है जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड इवेंट सिस्टम हैं जिन्हें कोई ऑब्ज़रवेशंस करनी होती हैं बिजनेस बिहेवियर में और उसके बाद अप्रोप्रियट लोगों को नोटिफाई करना होता है तो दे डोंट रिएक्ट टू एनीथिंग उन्हें सिर्फ नोटिफाई करना है या इन्फॉर्मेशन डेमिनेशन जिसमें आप सही इंफॉमेशन सही वक्त सही बंदे तक पहुंचा दें मसलन आपके अगर आईसीयू में मरीज पेशेंट्स हैं और उन पेशेंट्स में टू पेशेंट्स हैं एक डॉक्टर मौजूद है वो शायद सब इंडिविजुअली ना देख सके बट आपका अगर एक अप्रोप्रियट वहाँ सिस्टम लगाओ जो से बता दे भाई ये चार हिस्सा क्रिटिकल हैं और तो वो ये एक इंफॉर्मेशन है जो राइट right पीपल तक राइट टाइम पर पहुँच गई इसी तरह से एक प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग है जो बैंकिंग अलर्ट्स की एग्जाम्पल है जिसमें हम एलिमिनेट करते हैं प्रिडिक्टेड इवेंट्स को कि ये होने वाला है या ये इस तरह के सिचुएशन हो सकती है और हम कैसे प्रियमटिवली इसको अवॉइड कर सकते हैं या एक्टिव डायग्नोसिस होते हैं जिसमें हम सिस्टम पे जिस तरह कार सेंसर्स है कि आपके सिस्टम ने डाटा दिया है और आप उसे रिजॉल्व करने की या जो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं या न्यूक्लियर सेफ्टी की एग्जांपल है जहां आप उसे रिजॉल्व करने के लिए एक्चुअली हैवी वाटर के लेवल्स या वो चीज़ें चेंज चीज़ कर सकते हैं या डायनेमिक ऑपरेशनल बिहेवियर है यहाँ पर हम इवेंट्स को रिएक्ट करते हैं एज पार्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स और उन पर हम क्विक डिसीजन मेकिंग और क्विक मिटिगेशन ऑफ थ्रेट्स करते हैं तो इवेंट प्रोसेसिंग इटसेल्फ सेल्फ क्या है इवेंट प्रोसेसिंग इज कम्प्यूटिंग डेट परफॉर्म एक्शन ऑन इवेंट्स और इवेंट्स एक्शन किस तरह से होते हैं उन्हें हम क्रिएट करते हैं उन्हें हम रीड करते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं डिलीट करते हैं और ऐसी एप्लीकेशंस जो इस इवेंट्स के ऊपर इवेंट्स के ऊपर बिल्डअप हुई हों हम इवेंट बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं या उसे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कहते हैं तो इवेंट बेस्ड एप्लीकेशंस या इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर वो एप्लीकेशंस हैं जो फंडामेंटली इवेंट्स के गेस्ट बनी हुई हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम इवेंट ड्रिवन नहीं बना रहे हम कहते हैं कि हमें इवेंट्स नहीं करने तो हम ऐसे रियल टाइम सिस्टम्स में क्या कर सकते हैं पहली चीज़ जो जहन में आती है वो है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम रिक्वेस्ट कर लें इस टर्म को जब इंफॉर्मेशन चाहिए और हम उसे रिक्वेस्ट करें इसे पॉलिंग कहते हैं पोलिंग का मतलब ये है कि मस के मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यानी इसकी अगर मैं दोबारा कॉफ़ी शॉप में एक एग्जांपल देता हूँ कॉफ़ी शॉप में लोग बैठे हैं और रेस्टोरेंट का वाला जो ओनर है वो बारी बारी सबके पास जाए तुमने कुछ और ऑर्डर तो नहीं करना आपने कुछ और ऑर्डर तो नहीं करना आपने तो नहीं कुछ और ऑर्डर तो करना तो ये है पोलिंग और इसमें दो तरह से हो सकती है या तो मैं सबसे पूछ के वापस आऊँ फिर सबसे पूछूँ फिर सबसे पूछूँ और दूसरा ये हो सकता है मैं एक के पास खड़ा हो जाऊँ कि ऑर्डर तो नहीं देना और जब तक वो जब तक उसने ऑर्डर देना नहीं मैं वहाँ खड़ा रहूँ दो तो पहले केस में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है रिस्पॉन्स टाइम हमारा बहुत स्लो है और दूसरे केस में हम ब्लॉक कर रहे हैं मे बी दूसरे बंदे ने काफ़ी ऑर्डर देना और वो वेट करता रहे कि हम अभी इधर से पूछ रहे हैं तो पॉलिंग एक तरीका है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन पुल करते हैं और ये जहाँ पे नेचुरली कोई इवेंट्स की फॉर्म में चीज़ें हो रही हो वहाँ पे ये इनफिशेंट रहता है इसमें ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है सिंक्रोनस ऑपरेशन होता है ए संक्रोनस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और एट अ हायर लेवल अगर ये देखें कि इवेंट ड्रिवन हमें क्या एडवांटेज दे रही है तो इवेंट ड्रिवन हमें एक एबस्ट्रैक्शन और डी दे रही है ये दो वर्ड्स में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन और डी कपलिंग का मतलब ये कि मैं किसी किसी प्रॉब्लम को एट अ हायर लेवल देख सकूँ मैं बजाय उसकी निटीग्रिटी डिटेल्स में जाने के उसे एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल देख सकूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है या इसमें कैसे होना चाहिए और डी कपलिंग डी कपलिंग का मतलब ये कि मैं दो इन अनरिलेटेड चीज़ों को मुझे इकट्ठे ना प्रोसेस करना पड़े और अगर आपको याद हो कि हमने जो लास्ट लेक्चर की एग्जांपल जो भी इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस की है उसमें हमने ये देखा था कि हमारे कपल हो गए थे हमारे कीबोर्ड का इवेंट और फाइल को रिस्पॉन्ड करने का इवेंट इनमें कपलिंग हो गई थी और फिर हमने जो अपनी रिफेक्टेड एग्जाम्पल लिखी उसमें कपलिंग को हमने वापस डी कर दिया ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई कि एक जगह हमारा कंसर्न सिर्फ कीबोर्ड हैंडल करना है एक जगह हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ फाइल को हैंडल करना है रियल सिस्टम्स में भी इसी तरह से अगर एक इवेंट ड्रिवन सिस्टम है लेट से कार सेंसर्स हैं, तो उसमें मैं एक जगह ये देखूंगा कि ओके टायर प्रेशर में कोई मसला तो नहीं किसी और जगह ये देखूंगा इंजन में मसला तो नहीं तो ये मेरा प्रॉब्लम डिवाइड हो जाएगी और मैं हर जगह एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फोकस करके सॉल्व कर सकूँगा इसका फ़ायदा क्या होगा इसका फ़ायदा सिंपल है आपका कोड क्लीन हो जाएगा और डी आपको स्केल करने देती है कि आप जहाँ पे दो चार इवेंट्स आपस में मिक्स हो गए उनका कोड कम्प्लिकेट हो गया उसके बजाय आप सौ दो सौ इवेंट्स हैंडल कर सकते हैं और उनको इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं इस इवेंट पे क्या होना चाहिए इस इवेंट पे क्या होना चाहिए और आप एक बड़ा सिस्टम बना सकते हैं तो ये एक की चीज़ है कि इवेंट ड्रिवन सिस्टम इजियर टू स्केल है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैंडल कर सकते हैं विदाउट गेटिंग द कोड कम्प्लिकेटेड अब विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए या ग्राफिक्स बेस्ड गोई एप्लीकेशन डिज़ाइन के लिए ये बहुत रेलिवेंट है क्यों क्योंकि आपके जो फंडामेंटल इवेंट्स हैं जो एक ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस डिज़ाइन में आ रहे होते हैं एक आपका कीबोर्ड है और माउस है मोस्टली आप इन दो चीज़ों से अपने प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर रहे होंगे या आपके पास इन सम केसेज ट्रैक पैड है जो कि एक माउस की तरह ही इवेंट्स दे रहा होता है और ये एक्सटर्नल इवेंट्स हैं और इसके बाद सिस्टम में इंटरनली हो सकता है आप किसी नेटवर्क सर्वर से बात कर रहे हो किसी और चीज़ से बात कर रहे हो वो भी जो आपको डेटा ओवर वायर आएगा या आपकी फ़ाइल में चेंज करेगा वो सारा डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो जाते हैं तो अगर आप सिक्वेंशली ये सोचें कि आ, आप एक प्रोग्राम लिखें और वो ये ये लेट्स एक वर्ड को वर्ड प्रोसेसर को इमेजिन करें आप वर्ड प्रोसेसर में हैं आप उसके अंदर कुछ टाइप भी करना शुरू कर सकते हैं आप उसके मेन्यू में से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं आप उसकी टूल बार में से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं आप उस पर राइट क्लिक करें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें रूलर बार है उस पर क्लिक करें कुछ और होगा तो अगर मैं ये सारे केसेस इकट्ठे हैंडल करने लग जाऊं तो मेरा कोड इतना कम्प्लिकेट हो जाएगा मुझे समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को डी कपल कर दें एक मेन्यू का कोड लिखें जिसका काम ही सिर्फ ये कि मेन्यू आएगा तो करना क्या है या एक की प्रेस होगी तो करना क्या है ये और मेन्यू को की प्रेस करेंगे मेन्यू सिलेक्टेड में तो कुछ और होना है इधर टेक्स्ट विंडो में की प्रेस करेंगे तो कुछ और होना है ये सारी की सारी चीज़ें जब हम डी कपल कर देंगे तो फिर बहुत सिंपल है अब डी कपल्ड फॉर्म में आप सोचें टेक्स्ट विंडो में क्या होना है की प्रेस पे बड़ा सिंपल है वो की वहाँ पेयर होनी है देर इज़ नो एम्बिग्विटी तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स हमने देखी रियल टाइम सिस्टम्स की और रियल टाइम सिस्टम्स कैसे होते हैं जैसे जो एक्चुअल रियल टाइम डेटा पे डिपेंड कर रहे होते हैं मसलन आपके कार सेंसर्स न्यूक्लियर सेफ्टी डिवाइसेस और इस तरह की चीज़ें और कुछ नॉन रियल टाइम होते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसर की हमने एग्जांपल दी वर्ड प्रोसेसर को अपना काम करना है बट उसके काम की कोई डेड नहीं है मतलब कार सेंसर अगर कोई डिटेक्ट कर रहा है तो उसकी एक डेडलाइन है उसे इतना जल्दी डिटेक्ट करना है ताकि कार में कोई बहुत सीरियस मसला ना हो जाए वर्ड प्रोसेसर की डेडलाइन नहीं है ज्यादा से ज्यादा थोड़े लेट अपियर हो जाएगा आपका करेक्टर तो नॉन रियल टाइम अपलिकेशन जो कि मोस्टली हम इस कोर्स में डेवलप करेंगे वो नॉन रियल टाइम होंगी उनके क्या इवेंट सोर्स हो सकते हैं कहाँ से उन्हें इवेंट्स आ सकते हैं तो प्राइमरी सोर्स तो दोनों का कीबोर्ड और माउस है कीबोर्ड इवेंट्स और माउस इवेंट्स और तीसरी अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और ये इवेंट्स पे आपने किस तरह रिएक्ट करना है अभी हमने बात की थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस इन्हें डिफरेंटली रिएक्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक सेकेंडरी इवेंट्स होते हैं सेकेंडरी इवेंट्स क्या होते हैं मसलन आपकी एप्लीकेशन में एक बटन है अब बटन ने ख़ुद कुछ इवेंट प्रोसेसिंग करनी है बटन ने क्या करना है कि माउस उसके ऊपर आया है क्या प्रेस हुआ है रिलीज हुआ है अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये बटन प्रेस हुआ है उसकी लॉजिक सारी ये है लेकिन आपकी बाकी एप्लीकेशन को ये कंसर्न नहीं कि ये बटन के ऊपर माउस मूव हुआ था तो क्या हुआ था उसे ये कंसर्न बटन प्रेस हुआ था या नहीं हुआ था तो ऐसे केस में वो बटन एक सबसिक्वेंट इवेंट जनरेट कर सकते हैं और इसे कह सकते हैं ये डिड्यूस्ड इवेंट है या सेकेंडरी इवेंट है कि बटन प्रेस हुआ है तो कुछ सोर्स इवेंट्स माउस की मूव और इन सारी चीजों को से डिड्यूस करके हमने एक डिड्यूस्ड इवेंट बटन प्रेस का निकाला और बाकी अब एप्लीकेशन इस बटन प्रेस के इवेंट को यूज कर सकती है इसके अलावा क्या इवेंट्स हो सकते हैं फाइल इवेंट्स फाइल इवेंट्स क्या होते हैं कि आप किसी फाइल में कुछ चेंज देख मॉनिटर करना चाह रहे हैं या उससे ओपन करना चाह रहे हैं और वो आपने रिक्वेस्ट दी हुई है अभी तक ओपन नहीं हुई इस तरह के इवेंट्स जो आप की फाइल सिस्टम से रिलेटेड हो उन्हें हम कहते हैं फाइल इवेंट्स और अगर आप ये देखें कि फाइल कैसे चेंज होगी कोई और एप्लीकेशन उसे मॉडिफाई करेगी वो एप्लीकेशन कहाँ से ट्रिगर होगी मोस्ट प्रॉब्ली कीबोर्ड माउस से तो अगर हम ये देखें कि सिस्टम में इनपुट्स कहाँ से जा रही हैं वो मोस्टली कीबोर्ड माउस से जा रही हैं लेकिन हम अगर सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के अंदर बैठ के देखें तो फाइल इवेंट्स एक इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ इवेंट्स हैं जिन्हें हमें रिएक्ट करना हो सकता है और अगर आपकी अप्लीकेशन मल्टी थ्रेडिड या मल्टी प्रोसेस है और वो डिफरेंट प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का एक सिंपल तरीका है कि मैं एक दूसरी एप्लीकेशन को एक मैसेज भेजूँ जिससे एक इवेंट जनरेट हो जाए तो अब मुझे हर वक्त ये नहीं देखना कि क्या दूसरी एप्लीकेशन मुझे मैसेज भेज रही है भेज चुकी है ये सारी चीज़ें मुझे नहीं देखनी मुझे सिर्फ ये देखना है जैसे ही इवेंट आया मुझे पता चल जाएगा दूसरी एप्लीकेशन ने यह मैसेज भेजा है तो ये मैसेज लोकल भी हो सकते हैं पैरेलल मल्टी कंप्यूटर्स पे भी हो सकते हैं और फिर जो लास्ट टाइप है नेटवर्क इवेंट्स नेटवर्क इवेंट्स कैसे हो सकते हैं मैंने किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई कम्युनिकेशन की है और उस दूसरे कंप्यूटर से मुझे नेटवर्क वायर से एक इवेंट आया है और ये इवेंट कीबोर्ड माउस की तरह एक एक्सटर्नल सोर्स है क्योंकि एक वायर पे से आ रहा है और अगर आप ये कहें कि उस कंप्यूटर पे किसी ने शायद कीबोर्ड माउस से ही किया हो तो पॉसिबल है या किसी रियल टाइम सेंसर से किया हो हो सकता है लेकिन अगेन हमारी एप्लीकेशन के लिए नेटवर्क इवेंट्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं हम किसी सर्वर को डाटा भेजते हैं या किसी सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं हमें ये फ़ाइल दे दो तो वो फाइल जब आए तो हमें एक इवेंट आ जाए और हम ये देख लें अच्छा अब इस फाइल के साथ हमने ये करना है तो अब हम एक इवेंट बेस्ड सिस्टम की एग्ज़ाम्पल देखेंगे और ये एग्ज़ाम्पल आपकी बुक्स है जहाँ से आप इसकी मजीद डिटेल्स देख सकते हैं और इस एग्ज़ाम्पल की हम डिटेल्स इस एग्ज़ाम्पल को हम सबसिक्वेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हुए दोबारा रिविज़िट भी करेंगे तो ये एग्ज़ाम्पल क्या है एग्ज़ाम्पल एक फ़्लावर डिलीवरी एप्लीकेशन है और इसमें कुछ फ्लावर स्टोरस हैं कुछ इंडिपेंडेंट वैन ड्राइवर्स हैं और इनके दरम्यान ये सारा सिस्टम बनना है एक फ्लावर डिलीवरी स्टोर के पास एक ऑर्डर आता है वहाँ से ये सारा सिस्टम इनिशिएट होता है और उस फ्लावर डिलीवरी स्टोर ने एक डिलीवरी रिक्वेस्ट देनी है कि मैं ये फ़्लावर्स इस कस्टमर के पास डिलीवर होने हैं और जो डिलीवरी वालों की डिफरेंट इंडिपेंडेंट वैन ड्राइवर्स इनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है उनके पास एक जी सेंसर है जिसमें उसकी लोकेशन है और सिस्टम ने इनका एक रैंक मेंटेन किया हुआ अभी मैं रैंक की दोबारा बात करता हूँ तो ये जो एक गिवन एरिया के अंदर जहाँ पे वो स्टोर है और जहाँ पे डिलीवरी होनी है उसके हिसाब से जो क्लोज बाई हैं उनको रिक्वेस्ट जाएगी कि ये पेक करके इस जगह पर डिलीवर कर दो और वो आगे से और गिवन टाइम के अंदर और वो आगे से रिस्पोंड कर सकते हैं कि हाँ हम हाँ, इस टाइम पर मीट कर सकते हैं और जो वो टाइम को मीट करेंगे और जो उनकी प्रीवियस रैंकिंग होगी उसकी बेस पे एक इधर आटोमेटिक या मैनुल सिलेक्शन होगी और उसके बाद वो जब डिलीवर करेगा पहले स्टोर से पिक करेगा वो एक इवेंट है फिर डिलीवर करेगा वो एक इवेंट है और फिर कुछ डिड्यूस्ड प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट्स हैं जो इन ड्राइवर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तो इस सिस्टम की एक हाई लेवल डायग्राम देखते हैं इस डायग्राम में अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पर फ़्लावर स्टोर है और फ्लावर स्टोर एक डिलीवरी रिक्वेस्ट जनरेट करता है जिससे जो भी उस एरिया में ड्राइवर्स हैं जो अगर आप देखें राइट साइड पे वैन ड्राइवर की जीपीएस लोकेशन सिस्टम को जा रही है और वो जो ड्राइवर की लोकेशन है उसकी बेस पे ये डिसाइड हुआ कि ये जो बिड रिक्वेस्ट है वो एक जनरेट हुई और वो बिड रिक्वेस्ट उन ड्राइवर्स को गई जो गिवन एरिया के अंदर हैं और उनका रैंक जो स्टोर ने रेफरेंस डाटा दिया हुआ है कि मुझे मिनिमम इतना रैंक चाहिए उससे बेहतर है उसके बाद ड्राइवर ने एक डिलीवरी बेट की कि हाँ मैं इस फ्लावर्स को इस जगह तक पहुंचा सकता हूँ और अगर स्टोर ने ऑटोमेटेड सिलेक्शन चूज की हुई है तो जो बेस्ट बेड एक गिवन टाइम में अंदर आई लेट से टू मिनट्स के अंदर जो बेस्ट बेड आई वो सिलेक्ट हो गई अगर मैनुअल की हुई है तो वो स्टोर के पास लेफ्ट साइड पे वापस डिलीवरी बेड गई और यहाँ से एक मैनुअल असाइनमेंट गई एवंचुअली वैन ड्राइवर को असाइनमेंट मिल गई और उस असाइनमेंट को एक बॉटम पर देखें एक कंट्रोल सिस्टम में भी गई उसके बाद होगा क्या वैन ड्राइवर जाके स्टोर पिकअप से फ्लावर्स पिकअप करेगा जिसकी एक पिकअप कन्फर्मेशन कंट्रोल सिस्टम में आएगी और फिर डिलीवर करेगा तो एक डिलीवरी कन्फर्मेशन आएगी और ये कंट्रोल सिस्टम उसके बाद इनकी रैंकिंग एंड रिपोर्टिंग कर सकता है अलर्ट्स जनरेट कर सकता है कि कोई इस वक्त ड्राइवर अवेलेबल नहीं है इसे डिलीवर करने के लिए या ये डिलीवरी लेट हो गई है या पिकअप लेट हो गया है ये सारी चीज़ों के अलर्ट्स ये सिस्टम जनरेट कर सकता है और फिर ड्राइवर्स को उनकी ड्राइवर रिपोर्ट और इम्प्रोवेंट नोटिस जा सकते हैं तो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें बेसिकली तीन फेजेज़ हैं एक सबसे पहले बिडिंग फेज़ है बिडिंग फेज़ के अंदर स्टोर एक इवेंट जनरेट करता है कि उसे ये डिलीवरी रिक्वेस्ट है कि ड्राइवर्स को कि इसको डिलीवर करें और ये रिक्वेस्ट आगे सिस्टम सबको नहीं भेजता बल्कि ड्राइवर्स की लोकेशन की बेस्ट पे डिसाइड करता है कि जो स्टोर की प्रॉक्सिमिटी में है सिर्फ उन्हें भेजे अदरवाइज़ स्टोर पिकअप ही इतना लेट हो जाएगा और साथ उन्हें एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम या रिक्वायर्ड डिलीवरी टाइम दे सकेंड फेज़ इसमें इसाइनमेंट की फ़ेज़ है जिसमें अभी हमने जिक्र किया कि दो ऑप्शन हैं सिस्टम ख़ुद से जाइन कर दे या स्टोर असाइनमेंट करे तो इसमें इसाइनमेंट फेज में ड्राइवर्स ने वापस वेट करनी है मे बी वो लोकेशन में हों बट किसी और काम में बिजी हों इस वक्त वो इमिजिएटली उन्हें गाड़ी में पेट्रोल कम हो कुछ भी वजह हो सकती है कि वह इस वक्त इमिजिएटली पिकअप नहीं कर सकते तो ऐसे केस में वो बिड नहीं करेंगे अदरवाइज़ वो एक डिलीवरी बिड देंगे और अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है वो कुछ टाइम तक बिजली लेगा फिक्स टाइम तक फॉर एग्जांपल टू मिनट्स उसके बाद उनमें से बेस्ट को असाइन कर देगा बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रैंक और रैंक की अभी हम बात करेंगे कि वो रैंक कैसे बन रहा है अगर स्टोर ने मैनुअल सिलेक्शन करनी है तो स्टोर को एक रिक्वेस्ट जाएगी और साथ ही एक टाइमर चल पड़ेगा अगर विद इन फॉर एग्ज़ाम्पल मिनट स्टोर ने असाइनमेंट नहीं की तो दैट्स एन अलर्ट जो कि किसी इंपॉर्टेंट चैनल में भी एस एस से स्टोर को जाए और सिस्टम में जनरेट हो कि ये मैनुअल असाइनमेंट सेलेक्ट हुई थी बट नहीं हुई मे बी इसकी वजह से डिलीवरी लेट हो जाए फिर तीसरा डिलीवरी फेज़ है जिसमें एक्चुअली फ्लावर्स ने पिक होना है और डिलीवर होना है तो असाइनमेंट फेज के एंड में एक ड्राइवर सिलेक्ट हो गया उसे एक असाइनमेंट का इवेंट किया उसे पता चल गया मैं सिलेक्टेड हूँ बाकी सारे ड्राइवर्स को uh, को बेसिकली उस टाइम आउट एक टाइम आउट हो जाएगा उन्हें असाइनमेंट नहीं मिली दे आर फ्री अंटिल उन्हें नेक्स्ट कोई डिलीवरी रिक्वेस्ट आए ड्राइवर ने स्टोर से पिकअप किए स्टोर ने कहा कि हाँ ये पिकअप हो गए सिस्टम में डाटा चला गया अगेन टाइमर एक असाइनमेंट के बाद टाइमर ऑन है कि अगर इतने टाइम तक इतने टाइम तक ये पिक ना हुए तो एक इवेंट जनरेट हो जाए तो ये जो अलार्म है कि 15 मिनट्स या 10 मिनट्स तक ना पिकअप हो, ये इनट सेल्फ एक इवेंट होगा जो सस्टम में आएगा और अगर उसके बाद वे चेक करेगा ये पिक हो गए या नहीं हुए तो इसके अकॉर्डिंगली एक अलर्ट इवेंट जनरेट कर सकता है इसी तरह से जब वो डिलीवर हो जाएंगे तो एक डिलीवरी कन्फर्मेशन है और पिकअप से भी एक क्लाक चली हुई है एक टाइमर चला हुआ है कि क्या ये इस टाइम विंडो के अंदर डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए उसके बाद अगेन ये सारा डेटा कंट्रोल सिस्टम में जा रहा है ड्राइवर्स की रैंकिंग बन रही है कि वह कितनी जॉब्स को ऑन टाइम डिलीवर करते हैं और अगर वह उन्हें काफ़ी जॉब्स मिलती हैं और वो ऑन टाइम डिलीवर करते हैं तो उनकी रैंकिंग बढ़ती जाएगी और अगर वो ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पाते या उन्हें जॉब्स ही नहीं मिलती बिकॉज ऑफ देर मे बी प्रीवियस रैंकिंग या वो सही लोकेशन में नहीं होते स्टोर uh, की प्रॉक्सिमिटी में अवेलेबल नहीं होते तो देन उनकी रैंकिंग डिक्रीज करती जाएगी तो इसमें अब बहुत तरह के एग्जाम्पल्स हैं इसमें रियल टाइम इवेंट्स भी हैं जी लोकेशन रियल टाइम इवेंट है इसमें डिड्यूस्ड इवेंट्स भी हैं कि एक इवेंट इन्फॉर्मेशन की बेस पे हम एक इवेंट जनरेट कर रहे हैं वेट फॉर मैनुअल इवेंट्स भी है कि ह्यूमन बीच में आके कुछ करेगा और उसके बाद इवेंट जनरेट होगा और टोटली प्रॉब्लिस्टिक एनालिटिकल इवेंट्स भी हैं जो आपका कंट्रोल सिस्टम बाद में ड्राइवर्स की रैंकिंग और उन्हें मॉनिटर करना और वो एक बिजनेस लॉजिक के तहत ये डिड्यूस कर रहा है कि ये कौन सा इवेंट जनरेट होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए तो इस एग्ज़ाम्पल को हम फर्दर ले चलेंगे और इसके एग्ज़ाम्पल की मदद से हम इवेंट्स के मज़ीद कंसेप्ट देखेंगे तो अगर इस एग्ज़ाम्पल के अभी अगेन कॉन्टेक्स्ट में हम दो और टर्म्स डिफाइन करते हैं एक हम इवेंट प्रोड्यूसर डिफाइन करने लगें और एक हम इवेंट कंज्यूमर डिफाइन करने लगें और हर इवेंट का कोई प्रोड्यूसर होता है और कोई उसका कंज्यूमर होता है अगर इसी एग्जांपल में देखें तो पिकअप कंफर्मेशन इसका प्रोड्यूसर कौन है इसका प्रोड्यूसर फ्लावर स्टोर है इसका कंज्यूमर कौन है कंट्रोल सिस्टम है और ये दोनों प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स डी हैं इस डीकपलिंग की हमने पहले भी थोड़ी सी बात की है और लेकिन हम हम एक इवेंट के कंटेक्सट में बात कर रहे हैं कि इवन even, एक इवेंट का प्रोड्यूसर को कंसर्न नहीं होनी चाहिए कि उसका कंज्यूमर कौन है और कंज्यूमर को कंसर्न नहीं होनी चाहिए कि प्रोड्यूसर कौन है इस चीज़ को हम आगे जाके फर्दर एलेबरेट भी करेंगे यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं कि मस हमारी जो मैनुअल असाइनमेंट है मैनुअल असाइनमेंट का प्रोड्यूसर फ्लावर स्टोर है मैनुअल असाइनमेंट कह सकते हैं हम एक इवेंट टाइप है क्यों एक इवेंट टाइप है क्योंकि एक्चुअल जो असाइनमेंट किसी एक इंस्टेंस पे स्टोर से एक पर्टिकुलर ड्राइवर को रही हो रही होगी वो एक रियल इवेंट है वो एक इवेंट इंस्टेंस है अगर हम उसे एम्फरसाइज करना चाहें कि ये एक, ये एक एक टाइप नहीं है लेकिन मैनुअल असाइनमेंट होना इट्स एक इवेंट टाइप है तो इवेंट टाइप्स क्या होती हैं अगेन जैसे हमने पहले बात की वो इस सिमिलर किस्म के इवेंट्स को कैप्चर कर रही है जिनका प्रोड्यूसर कंज्यूमर में भी सेम है जिनके मतलब जिनका डेटा सेम है उन्हें इकट्ठे हैंडल कर, किया जा सकता है तो ये इवेंट टाइप्स हैं और इवेंट इंस्टेंसेस वो एक्चुअल एक्रेंसेज हैं जब स्टोर एक पर्टिकुलर ड्राइवर को या सिस्टम को एक पर्टिकुलर मैसेज भेज रहा होगा या एक पर्टिकुलर इवेंट भेज रहा होगा तो ये हैं इवेंट प्रोड्यूसर्स और इवेंट कंज्यूमर्स और एक और टर्म जो इवेंट्स के साथ हम यूज़ करेंगे वो इवेंट हैंडलर की है और इवेंट हैंडलर क्या होता है जो भी आपका कंज्यूमर है अगर वो इवेंट ड्रिवन तरीके से लिखा हुआ है या इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है तो वो ये बता रहा होगा मुझे ये इवेंट आए तो मैंने ये करना है ये आए तो ये करना है ये आए तो ये करना है तो ये सारे जो एक्शन हैं जो इन रिस्पॉन्स टू सम हैं ये सारे इवेंट हैंडलर्स हैं तो इवेंट हैंडलर बेसिकली वो कोड है वो एक्शन है या वो फंक्शन है जो एक इवेंट के रिस्पॉन्स में किया जाता है तो इवेंट प्रोड्यूसर किसी भी पॉइंट पे किसी में भी किसी और इवेंट को हैंडल करते हुए अपने किसी इवेंट हैंडलर में या किसी भी वजह से या सेंसर हार्डवेयर ट्रिगरिंग की वजह से एक इवेंट जनरेट करता है वो उसकी नॉलेज नहीं है कि किस कंज्यूमर के पास जा रहा है इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे लेकिन वो किसी कंज्यूमर के पास पहुंचता है इवेंट सेल्फ कंटेंट है उसमें सारी इंफॉर्मेशन है उस इवेंट की इवेंट कंज्यूमर उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है और कैसे कंज्यूम करता है वो बताता है कि ये इवेंट आया था तो मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है जो कि एक इवेंट हैंडलर है उस इवेंट कंज्यूमर का इवेंट हैंडलर है तो अब हम थोड़ा समराइज करते हैं कि हमने क्या बात की हमने इस लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट में एक एग्जाम्पल ली जो हम फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पर हम एक की प्रेस और एक फाइल इवेंट को हैंडल कर रहे थे उसका हमने रिफेक्टेड वर्जन देखा जहाँ पे हमने ऑन की प्रेस और ऑन फाइल चेंज को सेपरेट किया हुआ था हमने उसे अपडेट किया उस एग्ज़ाम्पल को हमने उस एग्ज़ाम्पल में ये ऐड किया कि ऑन फाइल चेंज और ऑन फाइल रीड दो सेपरेट चीज़ें बन जाएँ हमने देखा इसमें एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न ऐड हुआ इसमें एक डी कपलिंग ऐड हुई और उसके बाद हम थ्योरी में चले गए हमने इवेंट्स को डिफ़ाइन किया बहुत सारे रियल टाइम सिस्टम्स की एग्ज़ाम्पल ली बैंकिंग सिस्टम्स की कार सिस्टम्स की हमने एक बिल्कुल रियल लाइफ कॉफी कॉफ़ी शॉप की एग्जाम्पल ली वहाँ पे कुछ हमने अब नॉर्मल इवेंट्स देखे कुछ नॉर्मल सीक्वेंस में इवेंट्स देखे हमने सिंक्रोनस को डिफाइन किया अगेन सिंक्रोनस इवेंट्स एक इवेंट के बाद इवेंट होता जाता है जब तक आपका पहला काम कंप्लीट नहीं होगा आप आगे नहीं चलेंगे हमने एक इवेंट्स डिफ़ाइन किए जहाँ पे आप एक इवेंट को हैंडल करके और किसी और आ, को साइट पे लगा देते हैं कि ये जब काम पूरा हो जाए तो मुझे बता देना मे बी इन द फॉर्म ऑफ अनदर इवेंट ये ए सिंक्रोनस हैंडलिंग है फिर हमने ब्लॉकिंग की बात की पहले भी बात की थी कई बार बात की है ब्लॉकिंग मीन्स कि आपने कोई काम करना है और जब तक वो काम हो नहीं जाता आपको वेट करना है ये है ब्लॉक block करना ब्लॉकिंग हो जाना उसके बाद हमने अगेन कंप्यूटर सिस्टम्स में इवेंट्स की एग्जांपल ली हमने अगेन बैंकिंग सिस्टम की बात की प्रॉब्लिस्टिक इवेंट्स की बात की हमने न्यूक्लियर uh, सिस्टम की बात की जहाँ की आपको एक फिक्स टाइम के अंदर रिस्पॉन्स देना है और फिर हम टोटली totally एक नॉन रियल टाइम सिस्टम में आ गए हमने वर्ड प्रोसेसर की एग्जाम्पल ली और उसके अंदर देखा कि डिफरेंट ईवेंट्स किस तरह से होते हैं की माउस के फाइल के नेटवर्क के और उनट्स में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं लास्टली हमने एक फ्लावर डिलीवरी एप्लीकेशन के एग्जांपल ली जो एक रियल टाइम सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं एक फ्लावर स्टोर है एक उसका कंट्रोल सिस्टम है एक इंडिविजुअल वैन ड्राइवर्स हैं डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हैं और आ, हमने उन इवेंट्स की किस्में और चीज़ें देखी और ये एग्जाम्पल अगेन हम आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये एग्जाम्पल लेके चलेंगे और इसमें देखेंगे कि जो फर्दर हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं वो इस एग्ज़ाम्पल पे कैसे मैप होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और रिफ़ाइन करेंगे हम इवेंट ड्रिवन का कंपैरिजन करेंगे एक रिक्वेस्ट रिस्पांस सिस्टम से हम इवेंट ड्रिवन का कंपैरिजन करेंगे कि इवेंट्स और मैसेजेस में क्या फ़र्क है बाद ये बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है कि इवेंट मैसेज है या नहीं है तो हम इवेंट्स और मैसेज को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम सर्विस सर्विस औरिएंटेड आर्किटेक्चर की बात करेंगे वो इवेंट्स से कैसे डिफरेंट है फिर हम ये जो इवेंट्स के कंसेप्ट इवेंट टाइप्स की के, के, देखेंगे हम इवेंट प्रोड्यूसर कंज्यूमर इन्हें मोर फॉर्मली डिफाइन करेंगे और फिर हम एंड में जाके इन सारे कन्सेप्ट को ये इस फ्लावर डिलीवरी एप्लीकेशन पे अप्लाई करेंगे और हम इन कन्सेप्ट को अपनी वो स्मॉल एग्जांपल कीबोर्ड माउस कीबोर्ड और फाइल चेंजेस वाली उस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये कन्सेप्ट की इन डेफिनेशन और एक्चुअल चीज़ क्या है और इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदाफिज